मेडिकल पे आए तो मेडिकल पे मिले मुझे चाय, तो आधा चाय मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी, मतलब प्लेन पालक नाइप, इसमें पनीर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिका ब्लॉग्स। आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। व्लॉगों की शुरुआत हो रही है 9:45 बजे से और मैं थोड़ी देर पहले ही खड़ी उठी हूँ। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं कराया और झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाया है। अभी मैंने फिलहाल ना यहाँ पे चाय ही बनाई है, तो चाय ना आज ब्लैक टी है, तो ब्लैक टी ही पीऊँगी मैं, ब्लैक टी भी अच्छी होती है। तो अभी चाय पी लेती हूँ पहले, और मैंने सोच रही हूँ चाय पीने के बाद मैं झाड़ू लगा दूँ पहले, उसके बाद ही नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो तब जाना भी है ही, मेरा रोज़ का वही है, सुबह खड़े उठो, तैयार हो जाओ, चले जाओ, क्या करें, जाना तो है ही। खैर तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं नाश्ता वगैरह, तो फिलहाल पहले चाय पी लेती हूँ ब्लैक टी। अभी हो गए 10:15 और मैं मेडिकल पे आ गई हूँ। तो घर का काम भी मेरा निपट गया था, तो नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया था और काम भी निपटा दिया था। और जैसे मैं मेडिकल पे आई तो मेडिकल पे मिली मुझे चाय, तो आधा चाय मैंने पी ली है और आधा अभी इसमें बची हुई है, तो अब इसको फटाफट से पी लेते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं बैठ ही रहूँगी यहाँ पे और क्या। और यहाँ पे मेरी चाय फिनिश हो गई है, इस डिस्पोजर को ऐसे काच मोड़ के फेंक देते हैं डस्टबिन में। अभी हो गए 2:15 और मैं अभी आ गई हूँ लंच पे घर। तो इन लोगों ने तो लंच बना दिया है और अब खाना वगैरह लाते हैं बाहर पे, तो बस अब खाना पीना खाते हैं और फिर वही टाइम। तो आज से ना मैं लेट में आऊँगी, 1:30 बजे के लगभग ही आऊँगी। और मौसम की बात करें तो मौसम तो खैर रोज की तरह ही है, तो आज का मौसम भी दिखा देते हैं आपको। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, धूप लग रखी है और थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अब सामने जो ये पीपल का पेड़ है, इससे भी पत्ते पूरे झड़ गए हैं और खाली पेड़ ही पेड़ बचा है सूखा हुआ। तो जबकि अभी ना पत्ते होने चाहिए थे, उस पर पत्ते ही नहीं है, तो बस यही है अभी मौसम के हालचाल। और मेरा लंच तो हो गया है और अब मैं निकल रही हूँ घर से, क्योंकि टाइम हो गया जाने का। बस खाते खाते ही टाइम बीत जाता है यार, 1 घंटे का लंच कितना तो होता है। तो बस अब निकलती हूँ घर से। अभी हो गए 3:15 और मेरे पीछे आप देख सकते हो इतनी सारी दवाई आ रखी है। अब मैं इन दवाइयों को लगाती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ ही रखी थी, तो दवाई वगैरह भी आ गई है, तो फटाफट से अपना काम निपटा देती है। तो मैं आ गई थी 8 बजे के लगभग घर पे और आज मैं सब्जी में लेके आई पालक। तो अंकल जी ने कहा मुझे ना, वहाँ पे टेलर है, तो उन्होंने बोला था कि अब ना पालक में कीड़े वगैरह भी आते हैं, कि अब तो खानी चाहिए पालक वगैरह। तो मुझे वैसे पता नहीं था, तो मैं लेके आई पालक और अब मैं ध्यान से छांट रही भाई इसको, कहीं कीड़े ना हो। एक तो निकल भी गया अभी, इतनी मतलब इतनी गड्डी मुझे ध्यान ध्यान से, पता नहीं 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी, मतलब प्लेन पालक, ना ही इसमें पनीर है ना ही आलू डालूंगी। तो ये मैं बना रही प्लेन पालक की सब्जी बना रही मैं आज। आधा घंटा मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पे पालक साफ की और पालक काट भी दी और साथ में प्याज भी काट दिया है। और मैंने कढ़ाई में ना तेल भी डाल दिया था, और मेरा ना मन ही नहीं हो रहा यार खाने का, पता नहीं क्या हुआ, इच्छा भी नहीं कर रही मेरी। तो मैं अभी ना सब्जी स्टॉप कर रही हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ, ये मैं कल सुबह ही बनाऊंगी नाश्ते में। अभी का खाना दिखाती हूँ आपको कि अभी मैं क्या खा रही हूँ, चलते हैं खाने की ओर। और अभी मैं खाने में ये खा रही हूँ घर का पिसा हुआ नमक, तो अभी का खाना ये है मेरा। और साथ में खा रही हूँ पिसी नमक जो कि हम सुरकंडा से लेके आए थे, जब सुरकंडा गए थे। तो अभी खाने में खा रही खीरा, तो खाया किसी ने कभी खीरा, जब किसी का मन नहीं हुआ खाने का और तब रात के खाने में खीरा ही खाया होगा, तो मैं तो खा रही हूँ भाई। आप लोगों ने तो नहीं खाया होगा, मोस्ट लोग पुलाव वगैरह बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो मैं खा रही हूँ अभी खीरा। तो डिनर तो मेरा हो गया है, डिनर भी क्या दूंगा, वो तो आपने देख लिया है, खीरा ही खाया है, तो खीरे भी मैंने खा लिए हैं और बिस्तर वगैरह लगा दिया है। तो बस अब सोने की तैयारी है, और कल सुबह फिर वही है, ड्यूटी जाना है, तो कल सुबह जल्दी भी उठना है मैंने, मेरा और काम भी है। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।